गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर 1 जनवरी 2021 से एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो दे दिया गया है। क्या है ये रिलीफ? यहां पर टैक्स इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड जो डेबिट नोट्स हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 में ऑलरेडी अमेंड कर दिया गया था, लेकिन इसे नोटिफाई किया गया है 1 जनवरी 2021 से। तो अब देखते हैं कि ये 1 जनवरी 2021 से जो चीजें नोटिफाई करी गई हैं उसका क्या मीनिंग होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 92/2020 ओपन किया हुआ है मैंने, जो कि 22 दिसंबर 2020 को आया था। इस नोटिफिकेशन में जो चीजें बताई गई है वो ये है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कंफर्ड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2020, यानी कि फाइनेंस एक्ट 2020 के सेक्शन 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127 एंड 131, यानी कि ये जो 6-7 सेक्शंस दिए गए हैं फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर, उसको इफेक्टिव किया जाएगा 1 जनवरी 2021 से। 2021 जो आने वाला है 1 जनवरी का, उस दिन काफी सारे चेंजेस एप्लीकेबल हो जाएंगे, जैसे कि ये प्रोविजंस और इसके साथ साथ न्यू रिटर्न एंड क्यूआरएमपी स्कीम। तो आपने अभी तक अगर हमारा जो क्यूआरएमपी स्कीम के ऊपर ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 3 जनवरी 2021 को, यानी कि संडे को दिन में 11 बजे से 2 बजे तक, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, जिसमें न्यू रिटर्न से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अब देखिए, जो ये हमारा फाइनेंस एक्ट 2020 है उसके अंदर सेक्शन 119, 120, 121 ये सारे चीजों को इफेक्टिव किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो फाइनेंस एक्ट 2020 है उसके अंदर सेक्शन 119, 120 किन चीजों की बात करता है। ये मैंने ओपन करा है फाइनेंस एक्ट 2020, इसके अंदर सेक्शन 120 जो इफेक्टिव होगा 1 जनवरी 2021 से, क्योंकि सेक्शन 120 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020 इज इक्वल टू सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। यहां पर आप देखेंगे तो ये सेक्शन 120 है फाइनेंस एक्ट का, इसने अमेंड किया है सेक्शन 16 को 1 जनवरी 2021 से थ्रू नोटिफिकेशन 92 जो मैंने आपको दिखाया है। अब क्या वर्डिंग्स थी पहले और अब क्या वर्डिंग्स है, अमेंडमेंट में बताया गया है इन सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इन सब सेक्शन 4। जी हां फ्रेंड्स, सेक्शन 16 के सब सेक्शन 4 में अमेंडमेंट है ये। द वर्ड्स इनवॉइसेस रिलेटिंग टू सच शैल बी ओमिटेड। अब इसको मीनिंग समझने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ओरिजिनल जो प्रोविजन है उसका 16(4) क्या कहता है। ये है हमारे पास 16(4) बिफोर अमेंडमेंट। अब यहां बताया गया है अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or, अब यहां पर देख रहे हैं स्टार मार्क बना दिया गया है, यहां पे such invoice के बाद यहां जो लिखा गया था invoices related to such debit note, अब वो invoice related to such को delete कर दिया जाएगा। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा अभी थोड़ी देर में समझते हैं। पर्टेन्स टू ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अब एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझ में आएगा कि ये जो अमेंडमेंट है इसका क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। लेट सपोज फाइनेंशियल ईयर 2021 का एक इनवॉइस बनाया गया है 1 अप्रैल 2020 को, तो सबसे पहले इनवॉइस और डेबिट नोट दोनों का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 ये कहता है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है
उसके लिए जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, इसके लिए आपको 16-4 रेफर करना होता है। तो 1 अप्रैल 2020 को अगर कोई इनवॉइस इशू हुआ है तो ये फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए हो गया। इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कब तक ले सकते हैं, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले पाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड हो गया। उसके बाद जो सितंबर महीने की 3B की ड्यू डेट होगी, यानी कि सितंबर 21 की जो GSTR 3B की ड्यू डेट है, यानी कि 20 अक्टूबर में मान के चलता हूं 20 अक्टूबर 2021 तक आप इस इनवॉइस का क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। ये चीज तो हो गई इनवॉइस से रिलेटेड। अब इसी इनवॉइस का जो हमने 1/4/2020 को इशू किया है, इससे रिलेटेड जो डेबिट नोट है वो कब इशू हुआ, लेट सपोज वो इशू हुआ है 1 जुलाई 2021 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अब क्योंकि 1 जुलाई 2021 को आप डेबिट नोट तो इशू कर ही सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड इनवॉइसेस का डेबिट या क्रेडिट नोट अगले सितंबर तक किया जा सकता है। तो अब पहले प्रॉब्लम ये थी बिफोर अमेंडमेंट कि ये जो डेबिट नोट रेज हुआ है 1 जुलाई 2021 के दिन, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट किससे लिंक होता था, वो होता था इनवॉइसेस रिलेटेड टू सच डेबिट नोट। कहने का मतलब है कि आपने जब डेबिट नोट इशू किया 1 जुलाई 2021 को और इससे रिलेटेड जो हमारा इनवॉइस था वो 1/4/2020 था, तो अमेंडमेंट से पहले क्या हुआ करता था, इस डेबिट नोट का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप लेटेस्ट कब तक ले सकते थे, क्योंकि इनवॉइस कब से था, वो फाइनेंशियल ईयर 2021 का था, इसीलिए सितंबर 20 की रिटर्न 21 की जो 3B की ड्यू डेट है उसी दिन तक आप क्लेम कर पाएंगे। तो यहां पर जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी थी कि इस डेबिट नोट को सिर्फ 2 महीने ही दिए गए इसका ITC क्लेम करने के लिए, अब यहां पर अमेंडमेंट करके ये संशोधन कर दिया गया है कि यहां पर इनवॉइस से जो लिंकिंग थी डेबिट नोट की उसको हटा दिया जाएगा। तो हमारे एग्जांपल में जब ये डेबिट नोट इश्यू हुआ 1 जुलाई 2021 को, तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप सितंबर 21 तक नहीं भी अगर क्लेम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डेबिट नोट इशू कब हुआ है, ये हुआ है 21-22 के अंदर, और इसका आप क्लेम कर पाएंगे सितंबर 22 के 3B की ड्यू डेट तक। तो ये काफी बड़ा रिलैक्सेशन सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में 2-3 वर्ड्स को डिलीट करके दिया गया है टैक्स पेयर्स के लिए। तो काफी बड़ा अपडेट है, इसको अच्छी तरीके से समझना बेहद जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि अब आपको ये सेक्शन 16(4) के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं इसका पूरा इंपैक्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाली वीडियोस में आपको और भी चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि 22 दिसंबर को काफी सारे अमेंडमेंट्स जो हैं GST के अंदर किए गए हैं। उसके लिए आपको जुड़े रहना है हमारे YouTube चैनल के साथ। लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जनवरी एडिशन में हम लोग सारे अमेंडमेंट्स को कवर करने वाले हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।